कैसे हैं आप सब लोग। तेज बारिश हो रही है काफी दिनों के बाद। मतलब 2 दिन से मौसम ऐसा था कि ऐसे लग रहा है कि धूप नहीं आ रही पर बारिश भी नहीं हो रही थी। और आज इतनी बारिश हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अंधेरा हो गया था, एकदम अंधेरा। तो पता है ना, बारिश, तला हुआ खाना, पेट पुकारे, मन बोले कुछ तल ले। फिर हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा है। मेरे हस्बैंड को मूंग की दाल के पकोड़े बहुत पसंद है, लेकिन टाइम कहाँ है मूंग की दाल को भिगो करो। तो मैं कुछ पैकेट्स भी रखती हूँ रेडीमेड, अच्छे ब्रांड्स के हैं वो। तो सोच रही हूँ सबसे पहले तेल चढ़ा देती हूँ और मूंग की दाल के बड़े बनाऊँ। चटनी चाहिएगी, फ्रीज कर रखी है, वो निकालती हूँ और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। भुट्टा सेक लेती हूँ, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहला काम है तेल चढ़ाना, क्योंकि कास्ट आयरन की कढ़ाई है, थोड़ी हैवी है, थोड़ा सा टाइम लगता है गर्म होने के लिए। पर जैसे ही गर्म हो जाएगी ना, मस्त रेडी हो जाएगी। मैं एक बोल ले रही हूँ और मैं ये पैकेट कट कर रही हूँ। ये सब जगह मिल जाता है ऑनलाइन, हम प्रमोट नहीं कर रहे आजकल लोगों को, पता नहीं क्या हो गया है। मेरी मम्मी मुझे ये ना कलकत्ता से ला के देती थी, इस बार मुझे दिल्ली में ही मिल गया तो मैंने खरीद के रखा है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। वैसे तो इसमें सब कुछ मिला हुआ होता है, आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पानी मिलाना है और एक बढ़िया सा बैटर बनाना है। जितना ये मसाला होता है उससे, अरे ये तो काफ़ी कम लिया मैंने, तीखा भी होता है, लाल मिर्च होती है। और जब हम लोग घर में बनाते हैं ना दाल पीस के, तो मम्मी लोग बनाते हैं, मैं तो बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि ऐसे कभी प्लानिंग होती नहीं है। तो उसमें साबुत धनिया जो है कूट के डालते हैं, और अदरक जो है उसे डालते हैं बारीक बारीक काट के। आप इसमें भी डाल सकते हो बारीक कटी हुई अदरक, खूब सारा धनिया, हरी मिर्ची, पर इसमें लाल मिर्ची से ही काफ़ी तीखापन आ जाता है। और तो बहुत पतला भी नहीं चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए। इसे मिक्स करके 10 मिनट छोड़ना होगा, तब तक मेरा जो तेल है ना वो बढ़िया से गर्म हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है ना कि अचानक से बारिश हुई, मन हो गया मूंग के पकोड़े खाने का। मुझे आलू प्याज के पसंद है पर इतने ज़्यादा नहीं, तो मूंग के पकोड़े, मूंग दाल के पकोड़े ना ज़्यादा यम्मी लगते हैं। कहीं मारवाड़ी हूँ भाई, मारवाड़ियों के मतलब हर जीवन में मूंग की दाल के पकोड़े होने मैंडेटरी है। अब मैंने ज़्यादा पतला कर दिया, कर देते हैं हम भी कभी 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 कर दे। तो ये बैटर तैयार हो जाएगा थोड़ी ही देर में, और काफ़ी है हम दो लोगों के लिए, बेटा इतना तीखा नहीं खाता है। गाढ़ा गाढ़ा बैटर बना लिया, अब 10 मिनट तक रेस्ट करना है इसको, और फिर मैं बनाती हूँ भजिए नहीं पकौड़े। चांस कल मैं डेली डिलाइट गई थी तो बहुत अच्छे भुट्टे मिल गए थे, मेरे हस्बैंड को ये भी बहुत पसंद है, तो दो बेटे को भी पसंद है। मैं तो लाई थी सूप बनाने के लिए 2-3 भुट्टे, पर लेकिन मौसम बदल गया और मुझे लग रहा है जब भून के दूंगी तो ज़्यादा खुशी खुशी खाएंगे, और मुझे भी आलस आ रहा है। सूप के लिए इतना कुछ काटूंगी, बनाऊंगी, मैं भी तो इंजॉय करूँ बारिश। तेल भी बढ़िया से गर्म हो गया है और हमारा बैटर जो है ये भी टोटली रेडी है, और हस्बैंड भी ऑफिस से निकल चुके हैं। मैंने अभी फ़ोन किया क्योंकि काफ़ी तेज़ हो गई थी बीच में बारिश, तो मैंने कहा फ़ोन करके पूछ लूँ कितनी देर में आएंगे, तो बोले मैं निकल गया हूँ, पहुँचने ही वाला हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फटाफट वड़े भी डाल दूँ ताकि वो पहुँचे, हाथ धोएं और वड़े की प्लेट तैयार शाम की भूख के लिए। तो ये हो गए हैं मस्त रेडी, निकाल लेते हैं इनको बाहर। पहला बैच रेडी है, दूसरा बैच डाल दूँगी। प्रिंसी नहीं है, पता है प्रिंसी अगर होती ना पड़ोस में तो इस टाइम आई हस्बैंड आ गए, बिना गए मेरे। अरे आ रही हूँ बाबा। हेलो, क्या खत्म हो, क्या लेके आए हो? मुझे लगा बारिश हो रही है तो हम बाद में। मैंने बड़े बनाए घर पे, पूछ तो लिया करो, पूछ लो तो लाओ, नहीं लाओ तो फिर तुमने घर में बना, पहले बता देते मुझे मैसेज करके। कौन से बड़े लाए हो? एक दाल बड़ा, एक मेदू बड़ा। ठीक है, ये मैं खा लूंगी और आप घर के मूंग की दाल के बड़े खाना। क्या बात है, और उसके साथ हलवा। चलो मेरा तेल चढ़ा है। खा लिया मैंने शाम का नाश्ता, गर्मा गर्म मूंग की दाल के पकौड़े धनिया की चटनी के साथ, और ये मैं खाऊंगी बाहर का सांभर वड़ा और दाल वड़ा लाल पीली चटनी के साथ। ये लाल वाली चटनी की प्याज टमाटर की होती है, पर टमाटर इतनी महंगी कैसे ले रहे हैं वो? क्या कर रहे हो आप? कोल्ड कॉफी बना रहा हूं, मौसम देखो कितना ठंडा है। ठंड, बारिश में कोल्ड कॉफी कौन पीता है? मैं पीता हूं। अभी छींकना शुरू कर दोगे? पकौड़े रेडी है एकदम,
पकौड़े के साथ, गरम के साथ ही तो कोल्ड कॉफी जाती है। सीरियसली? यस। ओके, दूध कब मिलाओगे? हाँ, हमारा जाएगा। ओ वाव, एक कॉफी बनाई है, कितना फैलावा किया, बर्फ गिरा, पानी गिरा, दूध गिरा है तो डॉट्स होंगे, चीनी गिरी थी तो मैंने कपड़े, आपको पता है मेरे पकोड़े ठंडे हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ गरम गरम पकोड़े बनाने का। तो अभी बस कोल्ड कॉफी इज रेडी एंड आई एम रेडी टू, क्या मस्त है ना। बारिश के मौसम में शाम का नाश्ता क्या है आज? गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, मूंग की दाल के पकौड़े और धनिया की चटनी। चीयर्स। गर्मा गर्म खाऊं, मेरा तो मूड खत्म हो गया है। क्यों? ठंडे कर दिए। खिलाते हैं, खिलाते हैं। नहीं, मैं बड़ा लेके आती हूँ। क्या हो गया अब? क्या हुआ? पकौड़े तो सही बने, फिर क्यों मुंह बना रहे हो? क्या हुआ? कितनी सी कॉफी थी, मुझे क्या पता, आपको बाल्टी में चाहिए? मग में चाहिए थी, बाल्टी में नहीं। ये लो, मैंने लगा नई ग्लास आई है, आपको पहले सर्व करूं। नहीं नहीं, पियो बाल्टियों में। नई कॉफी बनाई, खुद ने नई ग्लास मिली और मेरे पे इल्जाम, और मेरे पकौड़े करती है ठंडे। ये रे बड़े, तेल के भरे हुए बड़े, ओ माय गॉड।